मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार ने शनिवार को आम जनता को बड़ी राहत देते हुए बड़े ऐलान किए हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर यानी कि 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने का बड़ा ऐलान किया है। यानी कि केंद्र सरकार ने राहत की बड़ी बौछार की है। सरकार के इस फैसले के बाद जयपुर में पेट्रोल 109.53 रुपए पर आ गया है और डीजल घटकर 93.92 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और बड़ी अपडेट ये है, गैस सिलेंडर पर अब आपको 200 रुपए फ्लैट सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान में वर्तमान में गैस सिलेंडर के दाम 1,006.50 रुपए, अब सरकार ने 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। योजना के प्रावधान के अनुसार किसान को न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत पर 50% या अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। देखिए, इस योजना से 35,000 किसान लाभान्वित होंगे तथा लाभान्वितों में से आवश्यक रूप से 30% लघु और सीमांत किसान होने का प्रावधान किया गया है। साथ ही में प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को तारबंदी की लागत के 50% के स्थान पर 60% की दर से 48,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। योजना में 30% लघु एवं सीमांत किसानों को 10% अतिरिक्त अनुदान राशि दिए जाने के लिए 3.60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। आसान भाषा में समझाऊं तो प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को इस योजना में यानी कि तारबंदी की लागत में 50% के स्थान पर अब 60% की दर से 48,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि लघु सीमांत किसानों को 10% का अधिक फायदा मिलेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर और राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर सहित आसपास के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसकी वजह से तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। यानी कि बड़ी अपडेट ये है, भीषण गर्मी से रहे राजस्थान के लोगों को कुछ हद तक अभी जो है गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। जोधपुर से अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की आईएसआई महिला एजेंट ने सेना के एक जवान को हनी ट्रैप में फंसा लिया। हनी ट्रैप में फंसने के बाद सेना से जुड़े कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी जवान ने उस महिला के साथ शेयर कर दिए। इधर सेना के अधिकारियों की इसकी भनक लगते ही जवान को रडार पर रखा है। राजस्थान इंटेलिजेंस की ओर से इसकी पुष्टि होने के बाद जवान को 18 मई को जोधपुर से पकड़ा और जयपुर ले जाया गया। पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई है। सेना के जवान के अधिकारियों को बताया गया है कि वह आर्मी ऑफिस में जाकर महिला को कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता था। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से समीकरण बैठाने में लग गई है। बीजेपी इस बार राजस्थान चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़ेगी। राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया ने साफ कर दिया है कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेगी। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।